हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के 5 करोड़ परिवारों को सालाना 72,000 रुपए आय प्रदान करने की घोषणा की है। घोषणा के साथ ही बीजेपी ने इस योजना को सवालों में घेर लिया। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने राहुल गांधी की इस योजना की पूरी तरह से झूठा करा दिया। विजय गोयल की माने तो राहुल गांधी की यह योजना किसी छल कपट से कम नहीं है। जिस तरह वे विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसानों के साथ कर्ज माफी को लेकर धोखा दिया, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी अब फिर से जनता को बेवकूफ बनाने के लिए लगातार घोषणाएं कर रही है। लेकिन अब जनता पूरी तरह से जान चुकी है कि कांग्रेस केवल माहौल बनाने और घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस न्याय योजना के तहत देश के 20% सबसे गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपए प्रदान करेगी। लेकिन विजय गोयल ने इस दावे को खोखला साबित करते हुए राहुल गांधी से यह पूछा कि पहले इस योजना का हिसाब तो दो कि आखिर कांग्रेस इतना पैसा कहां से लाएगी। विजय गोयल ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी आनन फानन में लगातार घोषणाएं कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बिना जांचे इस योजना की घोषणा कर दी जो किसी भी तरह से लागू नहीं हो सकती। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ना तो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कांग्रेस झूठे वादे करके सत्ता में आना चाहती है और झूठे वादों के बदले ही डूबती नैया को पार लगाना चाहती है, और यही वजह है कि कांग्रेस आनंद फानंद में घोषणा कर रही है। इसके अलावा विजय गोयल ने गठबंधन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस का ये कैसा गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने की बात करती है, लेकिन पहले तो यह बताए कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, क्योंकि महागठबंधन बनने से पहले ही टूट चुका है। वहीं विजय गोयल ने अपने साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का चौकीदार बताया। बीजेपी के कई नेताओं के कांग्रेस भी शामिल होने के सवाल पर विजय गोयल ने जवाब दिया कि आया राम गया राम से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए राजस्थान में 25 में से 25 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे